हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका लकी के खाने में स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बीन्स और आलू की सब्जी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम अपने आलू की करेंगे कटाई और छटाई, तो दोनों ही करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपने आलूओं को अपने तरीके से अपने शेप दे के काट सकते हैं। आप जैसे मर्जी टुकड़ों में थे, हम मैंने यहाँ पे ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, और हम प्याज भी कट लिया है, और फिर बीन्स को भी मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए हम बीन्स को थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में ये फ्राई होके हो चुकी है तैयार। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ प्लेट में निकालने के बाद हमें आलू को भी शैलो फ्राई करना है। फिर हम अपने आलू को डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, और फिर आलू को भी थोड़ा देर हम लोग फ्राई कर लेते हैं, और इसका भी कलर थोड़ा लाल सा हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। और फिर हम इसके अंदर लगाएंगे तड़का। तो सबसे पहले तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डाला है, और फिर हमने तड़के के अंदर पंचफोरना जो होता है, जिसमें सौंफ, अजवाइन और मतलब सभी होते हैं, आप सबको तो पता ही होगा, तो उसी का हमने यहाँ पे तड़का लगाया है। और फिर हमने इसके अंदर एक लाल मिर्च डाली है, और थोड़े से तेज पत्ते, एक तेज पत्ता लिया है, उसको मैंने टुकड़ों में काट के इसमें डाला है, और इसको थोड़ी देर हम लोग भून लेते हैं, थोड़ा तड़क जाएगी। फिर हम अपने इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे, और यहाँ प्याज को भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद ही हमारे ब्राउन हो चुके हैं प्याज। फिर हम अपने इसके अंदर हम मसाले ऐड करने वाले हैं प्याज के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लेना है, फिर हमने यहाँ पे लाल मिर्च लिया है। आप मसाले अपने सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालें, नहीं तो अगर मसाले थोड़े से भी ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो स्वाद नहीं रहता सब्जी में खाने का। तो मसाले की क्वांटिटी अपने सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालिएगा आप लोग, तो खाने में स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। हमने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा सा हमने इसके अंदर सब्जी मसाला ऐड किया है, और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। और फिर हम इसके अंदर अपने टमाटर को ऐड कर लेते हैं, और थोड़ी देर इसको भून लेते हैं, और फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे संग में, क्योंकि हमारे टमाटर भी पकने हैं और मसालों को भी पकाना है। तो हमारे 5 मिनट के अंदर ही मसाले भी यहाँ पे पक चुके हैं, लेकिन 2 मिनट हम इसको और भून लेते हैं। यहाँ 2 मिनट के बाद हमारे मसाले भून के हो चुके हैं तैयार। फिर हम अपनी यहाँ पे सब्जियों को ऐड कर देते हैं। सारी सब्जियाँ ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसको भून लेंगे सब्जियों को, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो मैंने पानी डालते हुए दिखाना मैं भूल गई थी, तो आप लोग अपनी सब्जी के अनुसार थोड़ा ही पानी डालिएगा, क्योंकि हमारी सब्जी भुनी हुई है, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार। तो देखिएगा देखने में कितनी ही अच्छी लग रही है ये, और खाने में भी इतनी ही स्वादिष्ट होती है। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा।